नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 16। कोर डेटा का 60वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं, जो कि बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी बीएड सेकंड ईयर के लिए सिलेबस के अंदर है। देखिए, कल अपने चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ, या यूँ कहते बात चल रही थी अपनी एम्फियोक्सिस या लेंस ब्रेंकियोस्टोमा या लेंस सिलेक्ट, जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में नाम इसको दिया गया है, नया एनिमल है जिसको अपने स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद में अपने इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, इसको एम्फियोक्सिस नाम इसका रखा गया है। वैसे कि एम्फियोक्सिस का अर्थ होता है दुहुई छुरी, या यूँ कह सकते हैं कि सॉरी, एम्फी का अर्थ होता है उभय, ऑक्सिस का अर्थ क्या होता है तीक्ष्णी छुरीनुमा या भालीनुमा संरचना। तो चूंकि इस जंतु के दोनों सिरे हमें दिख रहे हैं, अग्र सिरा और पृष्ठ सिरा, ये दोनों ही क्या हैं कि तीक्ष्ण हैं, इसलिए इसका नाम एम्फियोक्सिस रखा गया था। इसको लेंसुलेट भी कहा गया है, और लेंसुलेट कहने का मतलब यही है कि इसका लेंसुलेट का हिंदी में अर्थ होता है तीक्ष्ण छुरी। तो चाहे इसका अग्र सिरा देखो, चाहे आप इसका पृष्ठ सिरा देखो, तीक्ष्ण यानी तीखा है। उसके बाद में इसकी मैंने बताया था, जब खोज हुई थी तो इसको पैलास ने जो वर्णन किया था सबसे पहले, तो इसको एक मोलस्क का जंतु माना था, और मोलस्क का जंतु मानते हुए इसका नाम रखा था लाइमेक्स लेंसुलेटम। उसके बाद में जो वैज्ञानिक आए थे कोस्टा, इन्होंने क्या किया, इसका नाम ब्रेंकियोस्टोमा लेंसुलेटम रखा। कोस्टा ने इसका नाम क्या रखा, लेंसुलेटम, ब्रेंकियोस्टोमा लेंसुलेटम रख दिया था। उसके बाद में येरल नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने इसका नाम एम्फियोक्सिस लेंसुलेटम रखा था। लेंसुलेटम जाति का नाम है, जो कि उसके तीक्ष्ण यानी छुरीनुमा होने के कारण ही रखा गया है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि ये इसकी सामान्य जो अपने बात है वो कर चुके हैं, और इसको सेफेलोकोर्डेट के अंदर रखा गया है। और एक मतलब यूँ कह सकते हैं कोर्डेट का ऐसा प्राणी है ये, जिसके अंदर कोर्डेट के जो करेक्टर्स हैं, मैंने कल बताया था आपको, नोटोकोर्ड, नरोकोर्ड और गिल स्लिट, तीनों के तीनों वयस्क अवस्था में भी पाए जाते हैं इसके अंदर। यानी एक आदिम प्रकार का कोर्डेट है, जिसके अंदर ये तीनों करेक्टर्स के अडल्ट स्टेज में पाए जाते हैं। तो अध्ययन करने में, कोर्डेट का अध्ययन करने के हिसाब से ये बहुत उपयुक्त प्राणी है। उसके बाद मैं आपको बताया था कि ये जो जंतु होता है, ये हैबिट और हैबिटेट के हिसाब से अगर अपने देखें, तो ये मैंने बताया था कि ये समुद्री किनारों के तटों पर रहता है, या किनारों पर जो गिल्ली मिट्टी है वहाँ पर रहता है, बिल बना करके रहता है। और ये यू आकार का बिल बना के रहता है, जिसका अगर सिरा उस बिल से बाहर निकला रहता है, और शेष जो बॉडी है, मैक्सिमम बॉडी का जो भाग है, बिल के अंदर रहता है। जब इसको डिस्टर्ब किया जाता है तो ये क्या करता है, उस बिल से तेज़ी से बाहर निकलता है, निकल करके ये पानी में कुछ समय तैरता है। उसके बाद में पुनः जब इसको लगता है कि शिकार या इसका जो परभक्षी जंतु है उससे दूर जा चुका है, तो ये वापस क्या करता है, अपने आप को उस गिल्ली मिट्टी के अंदर लेके आता है, और अपने अगर सिरे को वापस मिट्टी से बाहर निकालती है, यू आकार का बिल वापस बना करके स्थित हो जाता है। उसके बाद में आपको बताया था कि ये जो है जो खासकर जू प्लैंकटोन्स हैं उनको खाता है, जू जो छोटे प्लैंकटोन्स एनिमल्स हैं उनको खाता है। और ये एक फिल्टर फीडर एनिमल है, क्योंकि ये भोजन को छानता है, सीलिया पाए जाते हैं, जो अपने आगे डिस्कस करेंगे इसकी जब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, तो इसके अंदर क्या है कि सीलिया पाए जाते हैं, वो सीलिया भोजन को छानने का काम करते हैं। तो जो भोजन के उपयुक्त भोज्यकरण होते हैं उन्हीं को केवल क्या ये शरीर के अंदर लेने का काम करता है, और जो शेष भोज्यकरण उनको क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद में आपको बताया था कि ये जो है जलधारा इसके अंदर प्रवेश करती रहती है मुख की सहायता से, और जब मुख की सहायता से जलधारा प्रवेश करती है तो इसके फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, गिल छिद्र पाए जाते हैं। उन गिल छिद्रों से इस जो जल है वो तो एट्रियल कैविटी के अंदर आ जाता है, जैसे हार्डमानिया में देखा था वैसे यहाँ एट्रियल कैविटी पाई जाती है। इसकी पृष्ठ सतह को छोड़ करके, जंतु की पृष्ठ सतह को छोड़ करके अधर और पार्श्व सतह में एट्रियल कैविटी इसके अंदर पाई जाती है। फेरिंग्स के चारों ओर खाली स्थान होता है, जो सिलोम का हिस्सा होता है एक्चुअल में, इसके अंदर बॉडी सिलोम भी पाई जाती है, जिसको अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि जो एट्रियल कैविटी है वो पार्श्व और लेटरल लेटरल और वेंट्रल पोजीशन पर पाई जाती है फेरिंग्स के चारों ओर। तो जल जो है वो उन गिल स्लिट से होता हुआ कहाँ आ जाता है, उस
एट्रियल कैविटी के अंदर जाता है, एट्रियल कैविटी से एट्रियल पोर से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो भोज्य कण वो फेरिंग्स के अंदर रुक जाते हैं और सीलिया के लगे होते हैं, वो सीलिया क्या करते हैं कि इसके अंदर मूवमेंट करते हैं, इसके कारण भोजन को रोटेट किया जाता है, रोटेट करते समय अंतर और इसकी जो एक सिक्का इसके अंदर पाया जाता है वहाँ भोजन का पाचन हो जाता है, जो आगे अपने डिस्कस करेंगे पाचन तंत्र में। और अपचित भोजन को एनएस की सहायता से किया जाता है बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपने ये कल डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं इसकी जो जनरल मॉर्फोलॉजी है उसकी, शेप साइज और कलर की। सबसे पहले हम बात करें क्या इसके शेप साइज और कलर। अब शेप साइज और कलर की बात करें तो आपको दिख रहा है कि इसका जो शेप है वो मछली नुमा लंबा बेलनाकार होता है। क्या होता है? मछली नुमा लंबा बेलनाकार होता है। अग्र और पश्चिरा क्या होता है? इसका नुकीला होता है, इसलिए कारण इसको क्या कहा गया है? एम्फियोक्सिस कहा गया है। और इसका जो लंबाई जो होती है वो लगभग 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 5 से 8 सेंटीमीटर होती है। और शरीर जो होता है वो हल्का सफ़ेद पारदर्शी जंतु होता है, और जिसके अग्र और पश्चिरे तो नुकीले होते हैं, परंतु जो दोनों साइड होती है यानी दोनों पार्श्व साइड होती है वो आपस में इसी तरह से संपीड़ित होती है, यानी पार्श्व साइड संपीड़ित होती है, यानी एक प्रकार से पूरा बेलनाकार नहीं होता है, कैंचुए की तरह नहीं होता। अपनी अगर सीधा अगर हम बोलें तो कैंचुए की तरह नहीं होता, क्योंकि कैंचुआ पूरा बेलनाकार होता है, जबकि ये क्या है, अग्र और पश्चिरा तो एकदम नुकीला होता है छुरी की तरह, परंतु लेफ्ट साइड और जो इसकी राइट साइड होती है वो एकदम क्या होती है, इस तरह से संपीड़ित होती है, यानी कि दबी हुई होती है। इस कारण इसको हम यूँ तो कह सकते हैं मछली की तरह तो ये होता है, दोनों से नुकीले होते हैं, पार्श्व सत्ता क्या होती है, संपीड़ित होती है, और रंग जो होता है सफ़ेद पारदर्शी होता है। लंबाई कितनी होती है? 5 से 8। और दोनों सिरे नुकीले होने के कारण ही इसको क्या कहा गया है? लेंसुलेट या एक तीक्ष्ण छुरी कहा गया है। उसके बाद में यदि हम बात करें कि इसका जो पिछले का जो पीछे का छोर होता है वो अग्र छोर की तुलना में क्या होता है? ज़्यादा नुकीला होता है। और अब नुकीला होने का यही फायदा है कि शिकार करने में भी इसको फायदा है, और शिकार से बचने में भी क्या इसको फायदा, और सबसे बड़ा क्या, जब ये बिल खोदता है तो एक तो ये दोनों अग्र और पश्चिरे यूज होते हैं, और एक हम बात करेंगे मेटापलूरल फोल्ड, ये तीनों चीज़ें मिलकर के इसको बिल खोदने में क्या होती है? सहायक होती है। कैसे होती है अपने आगे डिस्कस करेंगे। अब बात अपने करें इसकी डिवीजन ऑफ बॉडी। तो डिवीजन ऑफ बॉडी यानी शरीर कितने भागों में बंटा होता है। अब देखिएगा शरीर अगर हम बात करें तो मुख्यतः दो ही भागों के अंदर बंटा होता है। कितने भागों में बंटा होता था? दो भागों में बंटा होता है। और इसका जो शरीर है वो दो भाग कौन कौन से हैं आपको मैं बता देता हूँ। एक तो इसका कौन सा है? ट्रंक, यानी जिसको हम कहते हैं धड़, और एक होता है टैल या पूंछ। टैल या पूंछ दो भागों के अंदर बंटा होता है, ट्रंक और टैल। अब देखिएगा कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसको सेफेलोकोर्डेट में रखा गया। सेफेलोन का अर्थ क्या होता है? सिर, और कोर्ड का अर्थ होता है रज्जू, रेटा का अर्थ होता है धारण करना। अब देखिएगा इसके अंदर जो ये जो भाग होता है, ये भाग ये कोर्ड नोटोकोर्ड को शो करता है। किसको शो करता है? नोटोकोर्ड को शो करता है। अपना डायग्राम और इसका इंटरनल डायग्राम बनाएंगे तो अपने पता लग जाएगा। नोटोकोर्ड ये रोस्ट्रम वाला जो भाग होता है यहाँ तक पाई जाती है, यानी सिर भाग तक पाई जाती है, इसलिए इसको सेफेलोकोर्डेटा के अंदर रखा गया है। अब देखिएगा कि इसका शरीर जो पूरा ये बड़ा भाग धड़ होता है, और छोटा भाग क्या होता है? इसका पूंछ होता है। ये भाग क्या होता है? इसका पूंछ होता है। अब देखिएगा आपको ये फील होता होगा सिर, सिर इसके अंदर यानी हेड भाग इसके अंदर नहीं पाया जाता है। हेड भाग या तो इसके अंदर रिड्यूस्ड होता है या अपावासित होता है, या यूँ कह सकते हैं इसके अंदर एबसेंट होता है, इसलिए अपने सिर भाग इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो इसलिए सेफेलोकोर्डेट नाम देने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर एक रोस्ट्रम, रोस्ट्रम क्या होता है मैंने कल बताया था, जिसको हिंदी में कहते हैं तुंड, हिंदी में क्या कहते हैं तुंड, यानी अग्र सिरा जो होता है या सिर से आगे का जो भाग एक थोड़ा सा नुकेले रूप में बाहर निकला रहता है, उस भाग को हम रोस्ट्रम कहते हैं, तुंड कहते हैं। और इसके अंदर ये आप देख सकते हो कि ये सिर न कह करके जो धड़ वाला भाग है ये आगे की ओर निकला रहता है, निकलने के कारण इसको क्या कहते हैं? रोस्ट्रम या तुंड कहा जाता है। अब देखिएगा नोटोकोर्ड इसके अंदर अगर सिरे से पश्चिरे तुंड तक पाई जाती है, इसलिए इसको सेफेलोकोर्डेटा के अंदर रखा गया है। और हर्डमानिया को यूरोकोर्डेटा में रखा गया क्योंकि उसके अंदर नोटोकोर्ड आपने देखा था केवल और केवल जो लार्वा अवस्था थी उसकी, टैडपोल लार्वा उसकी पूंछ में पाई जाती है, इसलिए उसको यूरोकोर्ड में रखा गया। इसको सेफेलोकोर्डेट में रखा गया क्योंकि जो नोटोकोर्ड है वो अगर सिरे तक फैली हुई रहती है या उपस्थित रहती है। उसके बाद में अपने देखें तो शरीर दो भागों में बंटा होता है, ट्रंक और टैल यानी धड़ और पूंछ में, तो धड़ यहाँ तक है सबसे बड़ा भाग है और पूंछ ये भाग है। उसके बाद में यदि हम बात करें
इसके अंदर छिद्र कौन कौन से पाए जाते हैं, अपर्चर की हम बात करें तो छिद्र इसके अंदर तीन पाए जाते हैं मुख्य। यहाँ पर मुख होता है, इस जगह क्या होता है मुख होता है, अधर सतह पर, अधर पार्श्व सतह पर क्या होता है मुख होता है। ये इसका एट्रियोपोर है जो एट्रियल कैविटी का छिद्र, और ये इसका क्या है एनस है। एट्रियोपोर इसकी अधर सतह पर ही पाया जाता है, और एनस जो है वो पूंछ जो पंख होता है उसके ठीक क्या होता है नीचे की ओर स्थित होता है। अब मुख जो है वो यहाँ स्थिति में होता है, ओरल हुड अपने को एक नाम आया ओरल हुड के, कि इसकी जो पृष्ठ सतह और जो पार्श्व सतह है, पृष्ठ और पार्श्व सतह जो है क्या, सिर का जो पृष्ठ और पार्श्व सतह वो प्रोजेक्शन यानी कि आगे की ओर बाहर निकली रहती है, निकलने से एक एक आउटर एक हुड मतलब एक छतरीनुमा संरचना सी बन जाती है, उसको ओरल हुड कहा जाता है। ओरल का मतलब यहाँ पर मुख होता है, हुड का मतलब होता है एक संरचना, उभरी हुई संरचना, तो जो किसके कारण है सिर भाग के पृष्ठ और पार्श्व सतह के उभरने से बनती है, और उसके ठीक नीचे क्या स्थित होता है इसका मुख स्थित होता है। और ये है इसके बक्कल सिरी, बक्कल सिरी में आपको बताया तो ये काइटिन की बनी संरचनाएँ होती हैं, किसकी बनी होती है काइटिन की बनी संरचनाएँ होती हैं बक्कल सिरी। और इन बक्कल सिरी की जो जो संख्या होती है इनको हिंदी में मुख कुरल कहा जाता है, 10 से 11 जोड़ी होती हैं, ये कितनी होती हैं 10 से 11 जोड़ी होती हैं, ओरल सिरी या बक्कल सिरी भी कह सकते हैं इनको। और ये मुख के दोनों ओर यानी 10 से 11 जोड़ी होती हैं, 10 लेफ्ट साइड में, 10 राइट साइड में होती हैं, और ये कठोर संरचनाएँ होती हैं, क्या होती है ये कठोर संरचनाएँ शलाकाएँ होती हैं। और ये जो है जिलेटिन की बनी जो छड़ियाँ वो इनके अंदर पाई जाती है, और इनके ऊपर जो है वो संवेदी यूँ कह सकते हैं संरचनाएँ पाई जाती हैं। तो बक्कल सिरी का काम क्या रहता है, यानी बक्कल सिरी क्या एक्चुअल में मुख के दोनों ओर 10 से 11 जोड़ी एक तरफ होती है, 10 जोड़ी 10 एक तरफ होती है 10 दूसरी तरफ होती है, या 11 एक तरफ होती है या 11 दूसरी तरफ, तो 10 से 11 जोड़ी होती हैं मुख के दोनों ओर स्थित होती हैं ये। और किसकी बनी होती है काइटिन की बनी हुई छड़ियाँ होती हैं, इनके अंदर शलाकाएँ भी पाई जाती है, और इनके ऊपर जो संवेदी रोम संरचनाएँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो बक्कल सिरी होती हैं ये दो काम करती है। पहला काम तो यही है कि ये चूंकि जल को छानने का काम करती है, जल को क्या करती है छानने का काम करती है एक तरीके से, और दूसरा इनके ऊपर संवेदी रोम संरचनाएँ पाई जाती है जो एक प्रकार से जल की रासायनिक जाँच भी करती है। तो ये बक्कल सिरी जिसको अपने आगे डिटेल में ओरल हुड को और बक्कल सिरी को आगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ेंगे। तो ये इसकी मुख की पोजीशन होगी, पहला छिद्र कौन सा हो गया मुख हो गया। दूसरा जो छिद्र है इसका वो कौन सा है एट्रियोपोर। अच्छा, मुख से आपको पता लग ही गया कि भोजन अंदर जाता है और किस रूप में जाता है, जल के साथ अंदर जाता है। और अब देखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है कि जो जल अंदर जा रहा है वो जल आगे फिर किस में जाता है वेस्टिब्यूल यानी प्रघान में जाता है, प्रघान से फिर वो फेरिंग्स में आता है, तो फेरिंग्स इस एरिया के अंदर पाई जाती है, फेरिंग्स इस एरिया में पाई जाती है जो आगे डायग्राम से और डिटेल में देखेंगे। और फेरिंग्स के मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि फेरिंग्स के पृष्ठ सतह को छोड़ करके, पृष्ठ सतह को छोड़ करके पार्श्व और अधर सतह पर क्या पाई जाती है एट्रियल कैविटी पाई जाती है। और एट्रियल कैविटी जो होती है यानी इस प्रकार से अगर अपन थोड़ा सा इसका डायग्राम इस तरह से बनाएं, इसका सेक्शन इस तरह से, इसका मैंने सेक्शन का एक हल्का सा डायग्राम नहीं है, ये आउटलाइन अपने डिटेल में इसको देखेंगे पूरा आगे इस तरह से। ये इसकी क्या है फेरिंग्स होती है, यानी ये फेरिंग्स है, ये क्या इसकी फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स के देखिएगा ये एट्रियल कैविटी होती है, ये क्या है एट्रियल कैविटी है। अब एट्रियल कैविटी एक ये मेटाप्लूरल फोल्ड है जिसको अपने आगे अभी बात करेंगे, मेटाप्लूरल फोल्ड है, ये क्या है मेटाप्लूरल फोल्ड है। ये एट्रियोपोर लिप है, एट्रियोपोर लिप ये जो संरचना अपने को दिख रही है क्या एट्रियोपोर लिप है या लिप्स ऑफ एट्रियोपोर एक बात है। अब देखिएगा इसका अपने टीएस सेक्शन लें तो इसके अंदर ये देखिएगा ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के देखो दोनों कौन साइड में पार्श्व साइड और अधर सतह पर क्या पाई जाती है एट्रियल कैविटी पाई जाती है। और एट्रियल कैविटी जिस छिद्र से बाहर खुलती है उसको एट्रियोपोर कहा जाता है। एट्रियोपोर केवल एक होता है जो कहाँ स्थित होता है अधर सतह पर स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है अधर सतह पर स्थित होती है। अब देखिएगा तो एट्रियल कैविटी जो होती है ये एरिया है पूरा,
और एट्रियल कैविटी में आपको बताया था कि जो जल मुख से उत्ते हुए फेरिंक्स में आएगा और फेरिंक्स में गिल स्लिट्स पाए जाते हैं हर्डमानिया की तरह, तो जो जल है वो गिल स्लिट से होता है इस एट्रियल कैविटी में आ जाता है और एट्रियल कैविटी से उस जल को एट्रियोपोर की सहायता से क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो एट्रियोपोर का काम यही है। तीसरा है एनस। अब देखिएगा, हर्डमानिया में हमने देखा था कि क्लोइका नामक छिद्र पाया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि एट्रियल अपर्चर जो है वो क्लोइका की तरह बिहेव करता है, परंतु यहाँ पर क्या होता है, एट्रियोपोर अलग होता है, एनएस अलग होता है। एनएस आपको दिख रही है, पूछिए जो पुख होता है उसके अंदर पाई जाती है, एनएस या गुदा पाई जाती है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो जल अंदर प्रवेश किया था, यानी कि अर्डमानिया में तो जितने भी पदार्थ बाहर निकल रहे थे वो एट्रियोपोर से ही बाहर निकल रहे थे, चाहे जो कह सकते हैं एट्रियोपोर से जो जल बाहर निकल रहा था उसके साथ बाहर निकल रहे थे। यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्या है कि पाचन तंत्र का अंतिम छिद्र एनएस या गुदा होता है जो कि पूछ के नीचे की ओर खुलता है, जिसको मैनेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जल फेरिंक्स में आया था वो जल तो क्या है, स्टिग्मेटा या गिल स्लिट से होते हुए एट्रियल कैविटी में आ गया, वो जल एट्रियल कैविटी से होते हुए एट्रियल पोर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो भोज्य कण फेरिंक्स में बच गए, उन भोज्य कणों को क्या किया जाता है कि फेरिंक्स से उनको इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। इंटेस्टाइन से फिर क्या होता है कि सीलिया उसका मूवमेंट करवाते हैं बार बार, और मूवमेंट जब करवाएंगे फेरिंक्स और इंटेस्टाइन में, तो भोजन का पाचन हो जाता है, फिर भोजन का वहाँ अवशोषण हो जाता है। अब जो अपचित भोजन है उसको एनएस से क्या किया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कितने छिद्र हो गए, कुल 3 हो गए। माउथ जो बताई दी आपको पोजिशन, अगर सिरे के वेंट्रल पोजिशन पर पाया जाता है एट्रियोपोर, एट्रियल कैविटी का छिद्र जो कि अदर सतह पर पाया जाता है, और एनएस जो है वो जो अपने इसके कार्डियल फिन होता है उसके ठीक नीचे पाई जाती है। अब देखिएगा अगला जो इसका पोर्शन है वो है, अपने अगर बात करें इसके फिन्स और फोल्ड यानी पंखों की, और बात करें वलन की, तो पंख और वलन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि 3 फिन्स पाए जाते हैं और वो अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित का मतलब युग्म के रूप में नहीं होते हैं, जैसे मछलियों के अंदर युग्म के रूप में पाए जाते हैं। पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन वो जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, यानी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। जबकि यहाँ पर अपने डिस्कस करें तो इसके अंदर फिन 3 तरह के होते हैं, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन, डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और क्वाड्रल फिन। क्वाड्रल फिन, ये 3 फिन इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिएगा डोर्सल फिन आपको दिख रहा है, ये रहा, ये कौन सा होता है, डोर्सल फिन होता है, ये रहा, ये वह कौन सा है, डोर्सल फिन आपको दिख रहा है, ये जो धड़ का मैक्सिमम भाग है ये डोर्सल फिन होता है। और वेंट्रल फिन आपको दिख रहा है, एट्रियोपोर और क्वाड्रल फिन के नीचे का जो भाग होता है वो कौन सा होता है, वेंट्रल फिन होता है, दिख रहा है आपको, ये रहा। उसके बाद में ये भाग जो बच गया ये कौन सा होता है, क्वाड्रल फिन होता है। तो 3 फिन क्लियर, डोर्सल फिन, क्वाड्रल फिन से आगे से लेकर के मैक्सिमम भाग जो होता है वो डोर्सल फिन होता है। वेंट्रल फिन जो, अच्छा डोर्सल फिन डोर्सल पोजीशन पे होगा सीधी सी बात है, और आप देख रहे हो कहीं भी युग्म के रूप में नहीं है। ये वेंट्रल फिन है जो एट्रियोपोर और एनएस से ठीक पीछे कह सकते हो, ये कौन सा इसका वेंट्रल फिन जो कि वेंट्रल पोजीशन पे होता है, छोटा होता है, और ये इसका क्वाड्रल फिन है, इन पूछिए पंख होता है। अब देखिएगा आपको एक बात बताता हूँ कि डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन के अंदर आपको बॉक्स नुमा संरचनाएं दिख रही हैं, जिनको कहा जाता है डोर्सल फिन की संरचनाएं कहलाती है, डोर्सल फिन रे बॉक्सेज, और वेंट्रल फिन की जो संरचनाएं होती हैं बॉक्स नुमा उनको कहा जाता है वेंट्रल फिन रे बॉक्सेज। ये क्या होती है, एक्चुअली ये संयोजी ऊतक की बनी होती है, और इसके अंदर एक नोड्यूल नामक ग्लैंड पाई जाती हैं। क्या होती है, नोड्यूल नामक ग्लैंड पाई जाती है, और ये संयोजी ऊतक की बॉक्स नुमा बनी हुई संरचनाएं होती है जो क्या करती है, डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन को सहारा प्रदान करती है। जबकि क्वाड्रल फिन के अंदर हमने कहीं पर भी फिन रे बॉक्सेज नहीं बनाई है, तो इसका मतलब क्वाड्रल फिन के अंदर ये बॉक्स नुमा संरचनाएं जो होती हैं संयोजी ऊतक की बनी होती हैं, और इसके अंदर नोड्यूल्स या ग्रंथि पाई जाती है, केंद्रीय ग्रंथि पाई जाती है, जो कि क्वाड्रल फिन के अंदर ये फिन रे बॉक्सेज एब्सेंट होते हैं, जबकि डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन के अंदर ये पाई जाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें फोल्ड की, हमने बात की थी कि इसके अंदर फिन और फोल्ड की हम बात करते हैं, तो फोल्ड की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसकी अधर सतह होती है, यानी केवल कौन सी सतह, अधर सतह, और इसका अगर हम सेक्शन लें तो सेक्शन में आपको दिख रहे हैं ये मेटाप्लूरल फोल्ड पाए जाते हैं। मेटाप्लूरल फोल्ड दो होते हैं, अधर सतह पर होते हैं, एक दाई साइड में होता है एक बाई साइड में। इसको यदि हम थोड़ा और ध्यान से देखें, इसका सेक्शन काट के देखें एनिमल का, तो ये आपको दिख रहा है एक मेटाप्लूरल फोल्ड ये रहा, दूसरा ये रहा। ये जो मेटाप्लूरल फोल्ड होते हैं ये शरीर के अगले 2/3 सिरे के अंदर होते हैं, कहाँ तक होते हैं ये, अगले 2/3 सिरे तक। ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये जो ओरल हुड वाला भाग है यहाँ से लेकर के एट्रियोपोर जो होता है यहाँ के बीच में पाए जाते हैं, अगले 2/3 क्या है
शरीर के सिरे के अंदर पाए जाते हैं, कौन से? मेटाप्लूरल फ्लूइड। अब ये जो मेटाप्लूरल फ्लूइड होते हैं, ये एक्चुअल में इसके शरीर का ही त्वचा का ही क्या होते हैं, वलन होते हैं। और मेटाफ्लोरल फोल्ड जो होते हैं, अब फोल्ड का मतलब आप समझ गए होंगे कि इस प्रकार से त्वचा है वो फोल्ड हो जाती है। और मेटाफ्लोरल फोल्ड का यूज़ क्या है, दो है, एक दाएं साइड में एक क्या बाएं साइड में। और दोनों जो फोल्ड होते हैं इनका यूज़ क्या है, इसके अंदर लसिका यानी लिम्फ भरी होती है। और लसिका का यूज़ क्या है कि लसिका जब भी ये बिल खोदता है तो एक स्फीति दाब उत्पन्न करती है, और वो स्फीति दाब जब उत्पन्न होता है तो ये तेज़ी से बिल खोदने में क्या है, इसको सहायता मिलती है। कि एक तो इसका अगर उपस्या तीक्ष्ण हो गया वो फायदा होगा, दूसरा क्या है कि मेटाफ्लोरल फोल्ड के अंदर क्या भरी हुई है, दोनों के अंदर लसिका भरी हुई है, और वो लसिका क्या करती है एकदम आगे की ओर दाब उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये क्या तेजी से बिल खोदने में इसको क्या मिलती है, आसानी। तो ये दो मेटाप्लूरल फोल्ड, एक दाएं साइड में होता है, एक क्या होता है बाएं साइड में होता है। और मेटाप्लूरल फोल्ड जो है, ये जो आप देख सकते हो अंदर की ओर फोल्ड होकर के, आपने वो मैंने बताया था कि एट्रियल कैविटी का निर्माण करता है। उसके बाद में अपने यदि आगे की ओर बात करें, इसके अंदर मायोटोम्स एंड गोनाड्स की हम बात करें, मायोटोम्स हैं, मायोसेप्टा ये नाम आए हैं, और साथ में गोनाड्स नाम आए हैं, इनकी यदि हम बात करें तो मायोटोम्स और गोनाड्स की यदि अपनी बात करें तो आपको दिख रहा है वी आकार की संरचनाएं दिख रही हैं पूरी बॉडी के अंदर, इस तरह से दिख रही हैं इस तरह से, ये संरचनाएं जो हैं, ये जो संरचनाएं आपको दिख रही है इनको क्या कहा जाता है, मायोसेप्टा। क्या कहा जाता है, मायोसेप्टा। और दो मायोसेप्टा के बीच का भाग क्या कहलाता है, मायोटोम्स। यानी ये इसके पेशीखंड होते हैं, ये क्या होते हैं, पेशीखंड होते हैं, ये यानी ये पेशियां होती हैं जो वी आकार की होती है, और उल्टे वी आकार की हम अगर बोले तो इस तरह से होती है। और इन मायोसेप्टा क्या है, दो नज़दीक की दो पेशियों के बीच का जो पट होता है, जो इन दोनों दो पेशियों को एक दूसरे से पृथक करता है, वो क्या कहलाता है, मायोसेप्टा कहलाता है। ये मायोसेप्टा हो गया, और ये क्या होगी, पेशी होगी, यानी मायोटोम या मायोमियर्स होगी। ये जो मैंने बिंदु बनाए हैं, ये मायोमियर्स या मायोटोम्स हैं, और दो मायोटोम्स या मायोमियर्स को पृथक करने वाला एक पट क्या कहलाता है, मायोसेप्टा कहलाता है। उसके अलावा पेशियों का आपको पता है ये काम इसके मूवमेंट के लिए क्या है, और मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए जिम्मेदार होती है। उसके बाद में अपने बात करते हैं गोनाड्स की, तो गोनाड्स आपको दिख रही हैं बॉडी के अंदर, ये बुक्स नुमा संरचनाएं दिख रहे हैं जो 26 से 27 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 26 से 27 जोड़े होते हैं। नर के अंदर नर जननांग होंगे और मादा के अंदर मादा जननांग होंगे। नर के वर्षण होंगे, मादा के अंदर क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। जो 26 से 27 जोड़े होते हैं, इन 26 लेफ्ट में होते हैं, 26 ही राइट में होते हैं। और इनके अंदर लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है, क्योंकि नर और मादा आकार आकृति में क्या दिखाई देते हैं, एक जैसे ही दिखाई देते हैं। उसके बाद में आप देखिएगा, यहाँ पर हमने शो किया पोजिशन ऑफ फेरिंग्स, यानी फेरिंग्स इसकी बहुत बड़ा भाग होता है, और ब्रैंकियल बास्केट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसके अंदर स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, कि जनरल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है किसकी, एम्फियोक्सिस की। कल अपने इसके बारे में आगे का डिटेल करेंगे। थैंक यू।